बात बहुत बड़ी खबर के साथ जो चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है। चार धाम यात्रा को खोलने की तैयारी है, चार धाम यात्रा को खोलने की तैयारी है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया, हालात सामान्य होने पर यात्रा खुल जाएगी। यात्रा खुलेगी, हालात सामान्य होने पर श्रद्धालुओं को चार धाम आने की इजाजत मिल सकती है। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, बयान मायने क्या? बिल्कुल राजीव, देखिए इस स्तर पर कवायद चल रही है। सतपाल महाराज ने कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बातचीत की थी और उन्होंने अभी ये बात कही है एबीपी गंगा पे कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अपने स्तर से कवायद कर रही है और खुद देवस्थानम बोर्ड के तमाम कर्मचारी और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा को खोलने की जो कवायद है उसे आगे बढ़ाया जाए। तो संभवतः माना जा रहा है कि 8 तारीख के बाद यदि स्थिति और अच्छी हो जाती है, कोरोना के मामले और कम हो जाते हैं, तो पहले चरण में 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा में उनको दर्शन के लिए मौका मिल सकेगा। ये पहली कवायद होगी। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से यदि स्थितियां ठीक होती जाती हैं तो उसके बाद धीरे धीरे प्रदेश के लोगों को चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति मिलेगी और उसके बाद अगर बहुत स्थिति अच्छी होती है तो फिर प्रदेश अलग के लोगों को भी चारधाम यात्रा में आने की परमिशन मिल सकती है। और पंकज बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सतपाल महाराज का बयान, हालात सामान्य होने पर कोविड के केसेस और ज्यादा गिरने के बाद चारधाम यात्रा शुरू हो सकती है और उन्हीं जो 3 जिले हैं, 3 जिलों के लोगों को तो छूट मिल सकती है, दर्शनों के पूजा पाठ की इजाजत जिलों को मिल सकती है। एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत दिल्ली पहुंच गए और यहां पर पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। यहां केंद्रीय मंत्रियों से बंशीधर भगत मुलाकात करेंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत। अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अविनाश, कब पहुंचे बंशीधर भगत, किन किन नेताओं से अभी तक मुलाकात हुई है और कितनों से मुलाकात होनी है अभी? देखिए राजीव, अगर बात करें तो बंशीधर भगत आज सुबह ही देहरादून से दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ पे फिलहाल वो तमाम तरह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात को उन्होंने समय मांगा है। खासतौर से अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मिलने का समय मांगा है और इसके अलावा पार्टी के कुछ केंद्रीय नेतृत्व है जिनसे उन्होंने मुलाकात का समय मांगा है। हालांकि अभी फिलहाल वो अपने निजी कार्यों से दिल्ली में है, लेकिन अभी कुछ देर बाद उनका जैसे ही कार्यक्रम फिक्स होता है वो तमाम सारे नेताओं से मुलाकात करेंगे। जी अविनाश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के लिए बंशीधर भगत दिल्ली पहुंचे हुए हैं और समय मांगा है उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने का। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खांकरा के पास जो कि बंद था, अब आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। हालांकि जोखिमों के बीच फिलहाल जो हल्के वाहन है, छोटे वाहन है, उन्हीं को एंट्री दी गई है। भारी वाहनों को अभी नहीं जाने दिया जा रहा है, रोक है क्योंकि मार्ग संकरा है और खतरनाक है। खबर ये भी मिल रही है कि भारी बारिश की वजह से मार्ग खोलने में परेशानियां काफी हुई। आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कांकरा के पास में बीते रविवार से ही रात को मलबा बोल्डर आए और इसकी वजह से करीब 60 मीटर हाईवे ध्वस्त हो गया था। इससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद हल्के वाहनों के लिए उसे खोल दिया गया। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, उसके बाद ये मार्ग खुल पाया। अभी हल्के वाहन ही जा पा रहे हैं, भारी वाहन अभी नहीं जा पा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो भारी वाहन है उन्हीं में सामान होता है, यानी कि अगर मार्ग खुल भी गया और हल्के वाहन ही अब आवाजाही कर पा रहे हैं तो अभी भी सामान की किल्लत बनी हुई है ऊपरी क्षेत्रों में, क्योंकि इसी मार्ग से जो है सामान जाता है पहाड़ों पर और भारी वाहन जहां पर ट्रक लोड होकर सामान लेकर जाते हैं और फिर पहाड़ों में सप्लाई होती है चीजें उस पर, यानी कि अभी भी असर। 72 घंटे के बाद ये हाईवे खुल पाया है रुद्रप्रयाग में खांकरा के पास में। हाईवे की एक बड़ा हिस्सा, करीब 60 मीटर का जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, वो गिर गया था। दरअसल लैंडस्लाइड भी, भूस्खलन हुआ और वो गिर गया और सड़क पूर्णतः ध्वस्त हो गई। इसके बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, इस बीच में मौसम भी खराब हुआ, परेशानियां हुई, लेकिन मार्ग खोलने का कार्य जारी रहा। अभी जो हल्के वाहन है वो आ जा पा रहे हैं, भारी वाहनों को अभी जाने की छूट नहीं है। रोहित डिमरी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, हल्के वाहन आ जा पा रहे हैं, भारी वाहनों की आवाजाही कब तक शुरू हो सकती है और क्या परिस्थितियां इस वक्त वहां पर हैं?
कि जो बद्रीनाथ हाईवे है वहाँ नरकटों के पास तीन दिनों से बंद है। कल देर साय को ही यह राजमार्ग खुल पाया है। फिलहाल जो व्यवस्था भी बनी है तो हल्के वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, जबकि जो भारी वाहन है वे नहीं गुजर पा रहे, क्योंकि जो रास्ता है अभी संकरा है। फिलहाल जो है हल्के वाहन के लिए रास्ता तैयार किया है, क्योंकि काफी स्थिति यहाँ पे खराब थी, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो NH विभाग है उसने राजमार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया है। अभी भी यहाँ पर कार्य चल रहा है, जिसके कारण जो है कि जो भारी वाहन है वह भी यहाँ से गुजर कर नहीं सके। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है राहत की खबर है, क्योंकि लोग हल्के वाहन जो निकल रहे हैं और भारी वाहन भी आज टाइम तक यहाँ से निकलना शुरू कर दीजिए। जी शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए। कोरोना के खौफ को देखते हुए उत्तराखंड में 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसका ऐलान किया, लेकिन छात्रों के पास परीक्षा देने का ऑप्शन रखा गया, यानी कि छात्र चाहें अगर वो सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा मूल्यांकन के बाद दिए गए अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वो एग्जाम दे सकते हैं। और ये एग्जाम कैंसिल करने का फैसला कर लिया गया था। 12वीं की परीक्षाएं कोई नहीं देगा और कोई फेल भी नहीं होगा, लेकिन अब उनके मूल्यांकन के फॉर्मूले पर सरकार बोर्ड के साथ मिलकर विचार करेगी, जिसके बाद मूल्यांकन का निर्णय होगा। और इसी के मुताबिक अगर कोई छात्र मूल्यांकन के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके सामने परीक्षा देने का विकल्प होगा। 1,23,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं जो इस बार प्रमोट किए जाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात मैं आज इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के हित में और बच्चों के जीवन को देखते हुए, कोविड महामारी की समस्या को देखते हुए, छात्र हित, शिक्षक हित, अभिभावक हित, सबके हित में CBSE बोर्ड का डिसीजन का स्वागत करते हुए मैं उत्तराखंड प्रदेश में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का हमने निर्णय ले लिया है। कुछ छात्रों को लगता है कि हमको ज़्यादा परसेंटेज के लिए एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है, तो उन बच्चों के एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। और सरकार ने कोरोना की वजह से बहुत बड़ा फैसला लिया। छात्र छात्राएं सरकार के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मूल्यांकन के आधार पर पास करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साल भर परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्यूरियोसिटी है, सरकार ने ऑप्शन रखा है कि जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बट थोड़ा ये लग रहा है कि पेपर किस पैटर्न में होगा। बट सरकार ने जो फैसला लिया है वो एक तरफ से नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। सर, एग्ज़ाम देने के लिए तो हर बच्चा तैयार है जिसने प्रिपरेशन किया है, पर सर थोड़ा सा डर भी है कि पैटर्न किस तरह आएगा। पैटर्न अगर पहले वाला होता है सर बहुत खुशी है, अगर पैटर्न नया आता है तो बच्चे फिर भी एक डर है बच्चों के में कि कहीं गलत ना आ जाए। मैं 12th में पढ़ती सर। हाँ जी सर, बहुत इन्होंने तो बहुत तैयारी कर रखी थी सर, तो हम ये सोच रहे थे पेपर हो जाते तो ठीक है, पर सरकार ने ये भी सही फैसला लिया। पर यह है जैसे थोड़ा कम होते तो करवा देते बच्चों के पेपर। हाँ जी, मौसम एक बार फिर उत्तराखंड में बदल गया है। पहाड़ों की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से आवाजाही की कुछ जगहों पर समस्या बन गए हैं। लेकिन ये एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं जोशीमठ की है, और आप पहाड़ पर बर्फ लदी हुई देख सकते हैं। और गर्मियों का मौसम, लोगों को गर्मियां सता रहे हैं, इस बीच में ये बर्फबारी की दिल खुश कर देने वाली तस्वीरें हैं। अब आवाजाही दरअसल इन हिस्सों में वही लोग कर रहे हैं जो कीड़ा जड़ी को लेने के लिए और जो जड़ी बूटियां हैं उनको लेने के लिए इन हिस्सों का रुख करते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि आजीविका का ये एकमात्र उनका साधन है और ऐसे में इन हिस्सों में उनको जाना पड़ता है। ये ऐसा सीजन है कि इस वक्त उनको आसानी से ये जड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से उनकी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ गई। तो मौसम बदल गया है और गर्मी के मौसम में बर्फबारी, और बर्फबारी की वजह से ठंडक बढ़ गई है। जोशीमठ ब्लॉक की ऊंचाई वाले हिस्सों में ये मौसम बदला है, लगातार बर्फबारी लोगों के लिए
मुसीबत बन रही है, उन लोगों के लिए मुसीबत बन रही है जो वहां पर ये चिड़िया लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी तस्वीरें। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड विकासखंड के कुमराड़ा गांव में ऊपर बहने वाले नाले में अचानक पानी बढ़ा और उसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यहाँ पानी से बचने के लिए लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए। नाले का पानी लोगों के घरों में खेतों में घुसने लगा। बारिश के बाद कुमराड़ा गांव में बरसाती नाले में पानी बढ़ने की वजह से दुकानें समेत घर खेत खलिहान सब में पानी भर गया। पानी भरने की सूचना पर मौके के लिए निकली तहसील प्रशासन की टीम भी बीच रास्ते में सड़क पर मलबा आने की वजह से फंस गई। तो गधेरे के बिल्कुल साथ में लोगों ने अतिक्रमण करके घर बनाए और अब स्थितियाँ हैं कि बरसात एक बार बरसात होती है ये जो गार्ड गधेरे हैं उफान पर आ जाते हैं। अब लोगों के घरों के भीतर ये पानी जा रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रकृति से छेड़छाड़ और गार्ड गधेरों के इर्द गिर्द घर बनाना कितना खतरनाक हो सकता है, आपको ही मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। प्रशासन की टीम जरूर पहुंच रही थी तो ऐसे में प्रशासन की टीम के पास भी करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रह जाता घरों के भीतर फंसे हुए, घरों के भीतर गए हुए पानी को बाहर निकालने के अलावा। रामनगर में तस्करी के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद हुए हैं और बरामद अफीम की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। तस्करी के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये भी एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद हुई है इन तस्करों के पास से और गिरफ्तारी हुई है 3 लोगों की। तस्करी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। स्मैक या अफीम की तस्करी कर रहे हैं, इस सूचना पर हमारे द्वारा ट्रैप करके पीरू मदारा से 3 व्यक्तियों को 1 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है और 3 को गिरफ्तार करके लाया गया है। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस अफीम की कीमत करीब करीब 40 लाख के आसपास होगी। और अब देवभूमि में कम होते कोरोना के केसेस के बीते 24 घंटे में यहाँ 1003 मरीज मिले जबकि 30 मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में कुल 1778 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं। इसके अलावा प्रदेश में अब सिर्फ 25,366 एक्टिव केस हैं जबकि कुल 6,535 मरीजों की अब तक मौत हुई है। आपको बता दें कि कोरोना से राहत तो मिल रही है लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक 244 केस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं जबकि 27 मरीजों की मौत हो चुकी है। काशीपुर में उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने निगम के गेट पर धरना दिया। व्यापारियों का कहना है कि जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो उनकी दुकानों को बंद करने का आदेश क्यों दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि कोविड कर्फ्यू की वजह से उनका रोजगार ठप पड़ा हुआ है और उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। रामनगर में भी व्यापारी यही मांग कर रहे हैं कि बाजारों को अब पूरी तरह खोल दिया जाए। तो रामनगर और काशीपुर की तस्वीरें व्यापारियों की एक ही मांग है। आपको बता दें कि हरिद्वार में भी कल प्रदर्शन देखने को मिला था जहां ताली थाली लोगों ने बजाए और ये मांग की कि बाजारों को अब खोल दिया जाए, केसेस कम हो रहे हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद बाजार खुलो। दिल्ली में व्यापार खुल चुका है, यूपी में व्यापार खुल चुका, उसके संबंध को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। हम माननीय सरकार से कहना चाहते हैं कि जब दिल्ली और यूपी में बाजार खुल सकता है तो अपने उत्तराखंड में व्यापार क्यों नहीं खुल सकता। यहाँ पे व्यापारियों की दुकानें बंद होने की वजह से व्यापारियों पर आर्थिक संकट छाया पड़ा है। ये कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल से अब तक व्यापारी बहुत ही परेशान है, बहुत ही संकट का समय का सामना करना पड़ रहा है। जिन व्यापारियों की दुकानें किराए पर हैं, बिजली का बिल है, जिन लोगों ने बैंकों से लोन ले रखा है। कोरोना संक्रमण के चलते पहाड़ के इलाकों में भी व्यापार ठप है। कारोबार ठप होने की वजह से टिहरी के व्यापारी बहुत परेशान हैं। केंद्र और राज्य सरकार से जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि कोरोना की वजह से बीते 15 महीनों से कारोबार पूरी तरह से ठप है मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। जीएसटी का है सबसे मेन मुद्दा कि जीएसटी में हमें जो रिटर्न भरनी है उसमें कम से कम जीएसटी का सरलीकरण करते हुए 45 दिन का समय दिया जाए। दूसरी चीज जीएसटी में हमें छूट मिले। तीसरा बिंदु यह है जीएसटी में कि जीएसटी में जिस पे पेंडिंग पड़ा है सरकार क्या करती है उनके जो खाते सीज कर देती है, संपत्ति को सीज करती है, वो न किया जाए। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक है। गुलदार के आतंक की
कुछ तस्वीरें आए हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ गुलदार हाईवे पर चहलकदमी करते नजर आया तो दूसरी तरफ एक गुलदार तिलवाड़ा में ड्यूटी कर रहे पुलिस जवान के पीछे दौड़ पड़ा। गनीमत रही कि पुलिस जवान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हाईवे पर चूंकि ये जंगली इलाका है तो आवाजाही सड़कों से जो है सड़कों के आर पार ही जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो ये तस्वीरें सामने आई। तो दूसरी तस्वीर थोड़ा चिंता में डालने वाली तस्वीर है क्योंकि गुलदार ने हमला करना चाहा था और इसी इरादे से वो दौड़ा भी जवान के पीछे, लेकिन जवान ने दौड़कर अपनी जान बचा ली। देखिए, जवान के पीछे गुलदार दौड़ा लेकिन जवान इस बीच में भाग गए। नेहरू पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान यानी कि निम उत्तरकाशी और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने बड़ा मुकाम हासिल किया। संयुक्त अभियान में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया गया। दोनों संस्थानों में संयुक्त अभियान दल ने 1 जून को एवरेस्ट पर फतेह किया। पहली बार निम और जिम का संयुक्त अभियान दल 1 अप्रैल को दिल्ली से फ्लैग ऑफ के बाद एवरेस्ट फतेह के लिए निकला था और दल के लोग 12 अप्रैल को एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंचे थे। दल ने 20 मई को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर झंडा फहराने का प्लान बनाया था मगर खराब मौसम की वजह से ये हो न सका। मौसम साफ होते ही 1 जून को सुबह करीब 6:30 बजे दल ने एवरेस्ट फतेह करने में कामयाबी हासिल की। मधमहेश्वर घाटी की ग्राम पंचायत रांसी के 7 सदस्यीय साहसी दल ने विसुणी ताल का भ्रमण किया और प्राकृतिक का आनंद लिया। 7 सदस्यीय दल ने बुरुवा विसुणी ताल 40 किलोमीटर पैदल ट्रैक की दूरी 3 दिन में पूरी की। मान्यता है कि माता लक्ष्मी के आग्रह पर इस ताल का निर्माण भगवान विष्णु ने किया था और इसीलिए यह तालाब विसुणी ताल के नाम से जाना जाता है। मधमहेश्वर घाटी के बुरुवा और गडगू गांव में विसुणी ताल यहां से पहुंचा जा सकता है। मसूरी में विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने बाजार का निरीक्षण किया और इस दौरान दुकानदारों के माप तौल के उपकरणों की जांच की गई। कई दुकानों पर शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही ओवर रेटिंग को लेकर भी दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर किसी दुकानदार ने MRP से ज्यादा पैसे लिए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल ये शिकायत सिर्फ मसूरी ही नहीं, पहाड़ों के अलग अलग हिस्सों से, ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आती है कि वहां पर जो तय कीमत है, जो MRP है, उससे ज्यादा कीमत ली जाती है और दुकानदार उसके पीछे दलील देते हैं कि हम पहाड़ी हिस्सों में आपको ये दे रहे हैं। और इसी कड़ी में मसूरी में जब शिकायत मिली तो ये छापेमारी हुई, निरीक्षण किया गया। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बदहाल हैं। यहाँ पर जगियोड़ा गांव के लिए जो बनाई गई सड़क है महज साल भर के भीतर ही टूट चुकी है। ये आप तस्वीरें देखेंगे और आपको कहीं से लग रहा है इस सड़क है? सवाल यहाँ पर जो ग्रामीण है वो परेशानी में है, जान जोखिम में डालकर वो सफर करते हैं। परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है जब किसी बीमार शख्स को अस्पताल में पहुंचाना होता है। लोग बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक ले जाते हैं। मैं हमारी सड़क जो है सारी डैमेज हो गई है, जगह जगह नाले जैसे बन गई, पूरी रोड में जाने लायक ही रास्ता नहीं है। यहाँ अगर गांव में किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई सामान सामान लाना होता है तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। इस करके हमारी अनुरोध यही है कि सरकार से हमारी सड़क जल्दी से जल्दी सही की जाए एवं आने लायक रास्ता किया जाए सारा जो भी है टोटल। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, अगर अचानक ही किसी की तबीयत ख़राब होती है या कोई पेड़ से गिर जाता है या कोई हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हमको ऊपर जाने में बहुत परेशानी होती है। रुड़की के मंगलौर इलाके में किसान यूरिया नहीं मिलने से परेशान है। दरअसल मई महीने में किसानों को बांटने के लिए मंगवाया गया यूरिया महज कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब किसान यूरिया के लिए सहकारी समिति के चक्कर काट रहे हैं मगर यूरिया उन्हें मिल नहीं पा रहा है। कृषि ऑफिसर से वार्ता भी की गई है तो उनका कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं, अगर कोई विशेष क्षेत्र पॉइंट है तो वहाँ पर इमीडिएटली उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे सेंटर है, चाहे गन्ने का सोसाइटी का है, चाहे एग्रीकल्चर का है, तो उसके माध्यम से ऐसे जो एरिया है जहां से डिमांड आती है तो उनको तत्काल वितरित करवाया जाए। पौड़ी में मॉनसून सीजन शुरू होते ही जिले की लंबित अधूरी सड़कों और सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य जारी है और इसी को लेकर DM ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण खंड को निर्देशित किया गया कि बरसात से पहले सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाए। साथ ही सड़क के बीच में आ रहे पेड़ों को वन विभाग की अनुमति के बाद हटाने के भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 से एक सड़क का कटन कार्य चल रहा है, जो कार्य PWD के निर्माण खंड से किया जा रहा है।
आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया है। कुल जो कटिंग था 1300 मीटर का, उसमें से अभी उनका 1 किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है। और जो 7 स्कपर बनने थे, 4 स्कपर उसमें अभी बन चुके हैं, एक पुलिया का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर रंजना राजगुरु ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। काशीपुर और जसपुर में उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जानकारी ली, तो वहीं काशीपुर राज के चिकित्सालय में भी कोविड सेंटर की स्थिति की उन्होंने जानकारी ली। केदार भगवान तुंगनाथ का अब हर दिन गाय के दूध से अभिषेक किया जाएगा, और इसके लिए केदारनाथ समाज सेवा ने पशुपालकों को एक दुधारू गाय भेंट की। गाय के दूध से ही भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। थोड़ी देखना नहीं हुआ।